तो दोस्तों 5 मिनट में गुपचुप तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और इतना अच्छा ये गुपचुप होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल गोल गोल है एकदम, और इसका नाम भी गोलमोल है। तो सबसे पहले हम एक तो चेक करते हैं दोस्तों, नीचे फूटा हुआ देखिए पानी निकल रहा है। इतना टेस्टी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भगवान से मनाते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों कृष्णा रिंग की ब्लॉग में आज आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और अभी सुबह सुबह का बज रहा है दोस्तों लगभग 8। सभी भाइयों को, सभी बहनों को और सभी दोस्तों को कृष्णा रिंग की ब्लॉग के तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी रिंकी जी नहा चुकी हैं, अभी कपड़ा पसार रही हैं और बारी का काम ही उधर हो चुका है दोस्तों। थोड़ा सा और घोरने का बाकी रह गया है, आप लोगों को आज हम जरूर दिखाएंगे। और साथ में अभी हम लोग, हम भैया और पापा यहाँ पे बना रहे थे लट्ठू, तो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ लट्ठू ऑलरेडी छान करके रख चुके हैं और अभी भैया यहाँ पे छान रहे हैं लट्ठू, आप देख सकते हैं। एक बार और बाकी है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर लट्ठू कम्प्लीट हो जाएगा। अब बनाने का यहाँ पर रह गया है केवल निमकी और सेव। और पेड़ में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पेड़ एकदम सारा सुरक्षित है। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी देंगे हम, क्योंकि पानी कल नहीं दिए थे, परसों दिए थे, तो अभी इसमें सब में पानी थोड़ा सा दे देंगे हम। और पेड़ बिल्कुल एकदम बढ़िया है दोस्तों, और कलमी पेड़ है, सब में कलमी किया हुआ है, आप लोगों को हम दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कलमी किया हुआ है, इसमें और यहाँ पे कलमी किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ऊपर का जो पोर्शन है ये अलग है, नीचे का जो पोर्शन है ये अलग है, और यहाँ पे कलमी किया हुआ है। सारा पेड़ जितना है हमारा सब कलमी है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ रहता है। और माँ भी यहाँ पे पैकिंग कर रही है मिक्सचर, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पैकिंग कर रही है माँ मिक्सचर। मिक्सचर पैकिंग हो चुका है और अब यहाँ पे पैकिंग होगा चना, चना भी पैकिंग कर रही है माँ भी। और यहाँ पे अभी बहुत सारा पैकिंग करना बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों उधर बारी का भी काम हो रहा है, साथ साथ में हम लोग यहाँ पे अभी निमकी काट रहे थे, और निमकी अभी काट करके और क्लियर कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और भैया इधर छान रहे हैं। गर्मी तो यहाँ मत पूछिए दोस्तों, 50 डिग्री से ऊपर यहाँ पे गर्मी रहता है, और पसीना आप लोग देख सकते हैं। जबकि फैन चल रहा है सामने से, आप लोग देख सकते हैं फैन चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है 50 से प्लस ही रहता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों भीगते हुए आज हटिया से घर आए हैं, और अभी लगभग 7:10 हो रहा है, और जाते समय भी भींगे भीगते हुए गए दोस्तों, और अभी तुरंत हटिया से आए हैं। भैया पर पूरा एकदम भींग चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। 12 किलोमीटर यहां से आज का जो हटिया दोस्तों 12 किलोमीटर पड़ता है हाईवे में, और 12 किलोमीटर हाईवे में आए जिसके कारण थोड़ा ज़्यादा भींग गया है, पानी हल्का हल्का बारिश हो रही थी। और बारी का काम भी लगभग हो चुका है और अभी हम घर पहुंचे हैं तुरंत। तो दोस्तों हटिया से आकर के पहले तो कपड़ा चेंज किए, क्योंकि इतना ज़्यादा भींग गए थे और ठंडा भी लग रहा था, लेकिन हेलमेट रहने के कारण बाल बच जाता है, माथा बच जाता है, जिसके कारण सर्दी खांसी हमको नहीं होता है। और अभी रिंकी जी मकई पका रही है, फिर गैस में आज मकई लाए थे तो मकई पका रही हैं, और भाभी चीर रही है प्याज, और यहाँ पे झींगा चीर करके रखी है सब्जी बनाने के लिए। और अभी देखते हैं दोस्तों क्या प्लानिंग बनता है, क्या खाना बनता है, आप लोगों को भी जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी अभी प्लान बना है घर में कि अभी गुपचुप बनेगा, झींगा चीरा हुआ था दोस्तों, देखिए इसको छोड़ दिया है, और गुपचुप का प्लान बन गया है 5 मिनट के अंदर, और उधर आप लोगों को दिखा रहे हैं। और भाभी अभी देख सकते हैं प्याज और मिर्ची कटिंग कर रही है, एकदम जोर शोर से लगी हुई है भाभी। और इधर रिंकी जी आलू छीलने में लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, और एक तरफ कढ़ाई गरम हो रहा है दोस्तों।
तो 5 मिनट में आज रिंकी जी हम लोगों को गुपचुप खिलाने वाली है बना करके, और आज नया तरीका बनाएगी बताएगी कि 5 मिनट में गुपचुप कैसे तैयार करके और खिलाया जा सकता है। 5 से 7 मिनट में गुपचुप आराम से तैयार दोस्तों। इधर भाभी लगी हुई है, इधर रिंकी जी लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, और उधर कढ़ाई भी गर्म हो रहा है, और गुपचुप यहाँ पे जो दुकान में मिलता है दोस्तों वही गुपचुप है, आप लोग देख सकते हैं। और यह गुपचुप अभी तैयार होगा, और इंतजार में स्वीटी यहाँ पे बैठी हुई है कि कब गुपचुप बनेगा और खाएंगे। और इधर बगल में आप देख सकते हैं सोनू भी गुपचुप का तैयार खाने के लिए तैयार है, एकदम उधर से देख रहा है। और उधर उसके बगल में मोनू भी तैयार है, उधर साइड में खड़ा है कि हम भी थोड़ा गुपचुप खाएं, कितना जल्दी बन रहा है। तो सब गुपचुप खाने के लिए एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और भाभी एकदम लगी हुई है, और रिंकी जी एकदम लगे हुए हैं। तो दोस्तों 5 मिनट में गुपचुप तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, और इतना अच्छा ये गुपचुप होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल गोल गोल है एकदम, और इसका नाम भी गोलमोल है। और आप लोग देख सकते हैं चोखा तैयार है बन करके, एकदम टेस्टी एकदम, और गुपचुप भी तैयार है, और साथ में पानी भी इधर तैयार है दोस्तों एकदम। तो सबसे पहले हम एक तो चेक करते हैं दोस्तों, नीचे फूटा हुआ देखिए पानी निकल रहा है, इतना टेस्टी है, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। और 5 से 10 मिनट में गुपचुप हमारा तैयार है, आप खाने का एकदम मतलब एक थोड़ा टेस्ट कर लिए तो और मजा आ रहा है। तो दोस्तों आशा है आज का वीडियो आप लोगों को जरूरी पसंद आया होगा। भाभी और रिंकी जी मिल करके 5 मिनट के अंदर हम लोगों को गुपचुप बना करके खिला देती हैं। आप भी अपने परिवार में अपने परिवार को बना करके 5 से 10 मिनट के अंदर में गुपचुप खिलाइए बना करके, और कमेंट कीजिए हम लोगों का वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और आशा है आज का वीडियो आप लोगों को जरूरी पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूले दोस्तों। साथ में चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।